आया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827360। वरिष्ठ समाज सेवी संतोष सोनी मारुति के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। संतोष सोनी मारुति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय स्वर्णकार समाज, वरिष्ठ काउंसलर, परिवार परामर्श केंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। श्री मारुति नवरत्न बंडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम उल्धन के पास बहंत सिंचाई परियोजना के तहत बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर कारण प्रभावित क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों ने अपने जीवन यापन एवं भविष्य निर्धारण हेतु अपनी 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया है। इसके बाद किसानों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिनांक 21 फरवरी 2020 दिन शुक्रवार के दोपहर से बहौल चौराहे पर थाने के बाजू में शांतिपूर्ण रूप से धरने बैठ गए। वहां पर मौजूद रहे किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग अपनी ही 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन कर, उन्होंने बताया कि हम लोग दर दर भटक रहे हैं। इन मांगों को लेकर जहां भी जाते हैं तो वहां पर सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, मुआवजे की राशि अच्छी दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक ना तो किसी अधिकारी और ना कोई जनप्रतिनिधि मुआवजे की राशि नहीं बताई गई है। पहले दिन धरना प्रदर्शन में बदहौल कुल केरौला, कोटिया, पिपरिया, एलआई, सैमरा, निमोन, पड़वा, उल्धन आदि गाँव के पीड़ित किसान उपस्थित। धरना प्रदर्शन चल रहा है किस चीज के लिए, किस चीज को लेकर चल रहा है धरना प्रदर्शन? जो है बंडा बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जिस प्रकार से काम चल रहा है आज, जैसे कि देखा जाए तो हम लोगों को प्रशासनिक रूप से किसी प्रकार की जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। उसके बाद में बांध का काम जो है सुचारू रूप से चालू भी हो गया है, और आज हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर SDM कार्यालय बंडा में भी धरना प्रदर्शन किया, और आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया है, और 3 सूत्रीय मांगों में एक बार हम आपको पहले भी अवगत करा चुके हैं। प्रथम मांग हम लोगों ने जो रखी है वो है पीड़ित जो भी डूब प्रभावित क्षेत्र के किसान हैं उनमें से, मतलब उन प्रत्येक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उनकी जीविका रोजगार जो भी है सुचारू रूप से चलता रहे, उनकी जीविका सुचारू रूप से चलती रहे, भरण पोषण होता रहे उनका। और दूसरी मांग हम लोगों ने रखी है कि जब ये गांव, मतलब यहां पर जो डूब क्षेत्र है इसमें पानी भर जाएगा तो इसका पुनर्विस्थापन होगा, पुनर्विस्थापन होगा तो शिक्षा चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएँ जो हैं मिलनी चाहिए लोगों को। और तीसरी मांग जो हम लोगों ने रखी है, तीसरी मांग ये रखी है कि जो अधिनियम था 2013 के हिसाब से, जो केंद्र सरकार का कानून बना था उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए, उस मुआवजे के हिसाब से 1 एकड़ ज़मीन की कीमत जो है वो 4 गुना आकलन होगा उसका, और 4 गुना के हिसाब से उसके मूल्य निर्धारण के हिसाब से पैसे दिए जाए। कब तक धरना जारी रहेगा आपका? धरना हम अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांगें ना मान ली जाए, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि जहां हम बैठे हैं इस जगह को भी डूबना है, हमारे पास कुछ भी नहीं शेष रह जाएगा सिवाय अपनी खाली ज़िंदगी के अलावा।